स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हम अपने सभी घरों में देखते हैं कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो सबसे पहले कहाँ से आती है। आपने पहले देखा होगा एक पोल होता है, मेन पोल होता है, वहाँ से सप्लाई आती है मेन सप्लाई पे, ठीक है। फिर वो जो मेन सप्लाई पे आती है, जो घरों के बाहर जब ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है, फिर वहाँ से आती है फ्यूज़ पे, जो हमारे घर में फ्यूज़ बोर्ड लगा होता है, ठीक है, फ्यूज़ में आएगी। फ्यूज़ के बाद फिर कहाँ पर आएगी, इलेक्ट्रिक मीटर में, जो हमारे घर के बाहर मीटर लगे हुए हैं वहाँ पे आएगी। फिर आएगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में, जो हमारे घर में बॉक्सेस लगे हुए हैं हर एक रूम में, वहाँ पे सप्लाई आएगी। फिर सेपरेट सर्किट आएगा जहाँ पे हम जैसे लाइट ऑन करनी है तो फिर उसका सर्किट बन जाएगा, फिर जैसे फ़ैन ऑन करना है तो उसका सर्किट बन जाएगा। ऐसे जो है लाइट की सप्लाई होती है फ्रॉम पोल से लेके जो भी हमने स्विच चलाना है वहाँ तक। तो ये जो सप्लाई होती है ये कैसे होती है, ये आपने याद रखना है। ये तीन तरह की वायर्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर होती है। लाइव वायर जो होगी वो होगी पॉजिटिव वायर, जो कि रेड कलर की होगी, ठीक है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। कॉपर क्यों यूज़ किया गया है, कि जो कॉपर है वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करता है और जो इजीली बर्न नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव ज़रूर होता है कॉपर जो है, वो एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टील वायर, अल्यूमिनियम वायर, तो पर जो कॉपर वायर है वो अच्छी रहती है, वो ज़्यादा मेल्ट नहीं करती, ज़्यादा इजीली बर्न नहीं होती। तो कॉपर इंसुलेटेड वायर हमने रेड कलर की जो यूज़ करनी है वो लाइव वायर होगी, पॉजिटिव वायर होगी। और सेकंड वायर कौन सी होगी, न्यूट्रल वायर, जो कि नेगेटिव होएगी, और वो कौन से कलर की होगी, ब्लैक कलर की। कलर्स याद रखने हैं आपने, रेड कलर कौन सा होगा पॉजिटिव वाला, ब्लैक कलर कौन सा होगा नेगेटिव वाला, और थर्ड है अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर की होगी। अर्थ वायर जो है यूज़ की जाती है, वो मैं आपको बताऊँगा वो क्यों यूज़ की जाती है। अर्थ वायर को यूज़ करने का एक मकसद यही है कि जब हमने बड़े अप्लाइंसेस चलाने हैं, ठीक है, बड़े अप्लाइंसेस चलाने हैं, तो तभी वो जो सॉकेट है वो उसका जो फ्यूज़ है वो हैवी हो जाता है। दो तरह के फ्यूज़ आते हैं, एक आता है 5 वोल्ट का और एक आता है 9 वोल्ट का। तो जो 5 वोल्ट का चलाना है वो छोटे फ्यूज़, छोटे जो सर्किट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे हमने बल्ब चलाना है या कोई भी लाइट चलानी है, जैसे कोई भी फ़ैन चलाना है, तो वहाँ पे जो 5 वोल्ट का जो फ्यूज़ है वो उस सर्किट के लिए यूज़ होगा। जो 9 वोल्ट का है बड़े अप्लाइंसेस के लिए, जैसे हमने प्रेस चलानी है, जैसे हमने एसी चलाना है, वो जो बड़े अप्लाइंसेस के लिए 9 वोल्ट का जो फ्यूज़ है वो यूज़ होगा। अब बात आती है अर्थ वायर को हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने बड़े अप्लाइंसेस को चलाना होता है। तो आपने सर्किट तो देख ही लिया, अर्थ वायर क्या करती है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें प्रोटेक्ट करती है जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इन केस ऑफ द लीकेज। जब करंट ज़्यादा लीक कर जाता है मेटालिक बॉडी अप्लाइंसेस से, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि रेजिस्टेंस क्या होती है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके जो पाथ है उसको वो रोक के रखती है। रेजिस्टेंस एक तरह का वो एक फोर्स है जो करंट को रोक के रखती है कि ज़्यादा जो है वो करंट की लीकेज ना हो। जब करंट की लीकेज होएगी तो फिर हमें करंट जो है शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो जो अर्थ वायर है वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करके रखती है जब करंट की लीकेज होती है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है व्हेन द लाइव वायर कनेक्टेड विद द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर हमने पढ़ा था कि जो रेड कलर की पॉजिटिव वायर होगी वो न्यूट्रल वायर नेगेटिव वायर से, दोनों जो ऑपोजिट वायर्स हैं आपस में रेड और ब्लैक आपस में कनेक्ट कर जाएंगी डायरेक्टली, तो फिर वो हमें क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो अप्लाइंसिस है वो बर्न हो सकती हैं, सड़ सकती हैं।
नेक्स्ट इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स लो। रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको कि वो करंट के फ्लो को रोक के रखती है, जितना ज़रूरत है उतना ही वो भेजती है, तो वो जो उसका रेजिस्टेंस है सर्किट की वो लो हो जाएगी, तो वो क्या होएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग क्या होती है, जब करंट जो निकल के आता है सर्किट में से वो ज़्यादा हो जाएगा, करंट जब जो करंट कैपेसिटर को चाहिए, जो कंडक्टर हमने यूज़ किया है उसको करंट चाहिए, तो फिर वो हमें जितनी चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा आ जाएगी, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी। इससे क्या होएगा कि एक्सीडेंटली आपकी जो घर की जो वोल्टेज है, जैसे 220 वोल्टेज आती है जो वो ठीक रहती है, हम आजकल सभी के घरों में जब एसी लगा होता है वहाँ पे डिजिटल मीटर आप देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि 220 225 इसके आसपास ही रहता है, इससे बढ़ जाए या इससे कम हो जाए तो फिर वहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाए तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है, वोल्टेज हाई हो जाएगी, तो इसे हम जो है हमारी जो अप्लाइंसिस है उसका सड़ने का डर होता है, ठीक है। कई बार होता है कि हम घरों में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की ब्लिंकेज होती है, कोई भी बल्ब हमने जगाया हुआ है उसकी जो ब्लिंकेज होगी, कई बार जो हमें हमारे घर में इंडिकेटर लगा होता है उसमें भी लाइट कम आती है, तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि पीछे से जो लाइट है वो सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो गई है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमने अब बड़े अप्लाइंसेस चलाए होते हैं उसको हम थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देते हैं कि वो जो पीछे से लाइट कम आ रही है, सप्लाई कम आ रही है, वो ठीक हो जाए, फिर हम उसको चला सकें। तो ओवरलोडिंग क्या होएगी, जब वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी, 220 से ज़्यादा आ जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। यूज़ ऑफ द मोर देन वन अप्लाइंसिस इन वन सॉकेट, सिंगल सॉकेट हम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लग यूज़ करते हैं घरों में, जिसमें हम जैसे आजकल आ गया कि टीवी और सेटअप बॉक्स और कई घरों में जो स्पीकर होते हैं वो तीन चीज़ें इकट्ठे एक सिंगल सॉकेट पे यूज़ कर लेते हैं, तो उससे वो वोल्टेज का उस सॉकेट पे जो वोल्टेज है वो हाइक हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कई बार वहाँ से फायर निकलती है, तो वो अप्लाइंसिस इकट्ठी तीनों इकट्ठी चलाने का क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, वहाँ पे जो स्विच है वो अंदर से सड़ जाएगा। इसके जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो कौन सी है, ओवरलोडिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ घर में लगा होना चाहिए, ठीक है, अर्थ वायर जरूर होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है वो क्या है, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB क्या करता है, वो आपके घरों में जो सप्लाई आती है जब कई बार बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसका एक अंदर स्विच लगा होता है, वो स्विच नीचे गिर जाता है, तो उससे क्या होएगा कि जब वो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है, तो वो आपकी अप्लाइंसिस को जो बर्न भी कर सकता है, तो वो स्विच नीचे होने का मकसद यही है कि आपकी जो अप्लाइंसिस बंद हो जाएंगी, तो वो आपकी जो अप्लाइंसिस को बर्न होने से बचा लेगा। थैंक यू।